हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप 9 to 15 जुलाई, 9 से 15 जुलाई 2023 तक इन मूलांक नंबरों का क्या भविष्य रहेगा। 7, 8, 9 मैं अपने अगले पेज पे लूँगा। सो टॉकिंग अबाउट द रूट नंबर 1, आई विल से आपका जो ये वीक जाएगा, इट विल बी स्लाइटली इंटेंस फॉर यू। आपके लिए ये वीक स्लाइटली इंटेंस रहेगा। एंड आई विल से कि आपकी एनर्जी जो रहेगी, एनर्जी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड रहेगी, चाहे बॉडी की हो या माइंड की एनर्जी हो। एंड इवन आई विल से आपके साथ कोई भी सिचुएशन आएगी, वो आप एग्रेसिवली उसे फेस करेंगे। मतलब कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कोई भी सिचुएशन खड़ी हो रही है, उसे आप बिना सोचे समझे गुस्से से आप उसके साथ डील करेंगे। टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप, आई विल से अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो इस वीक ना करें। डोंट प्रपोज एनीवन दिस वीक। इस वीक में आप किसी को भी प्रपोज ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इवन आई विल से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें उनके साथ मतलब चीट होने की संभावना हो सकती है। एंड इवन आई विल से इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, आई विल से जो भी रिसर्च की फील्ड में, पीएचडी की फील्ड में, उनके लिए ये बहुत फेवरेबल वीक रहेगा। फेवरेबल फॉर रिसर्च पीपल, एजुकेशन में अगर हम बात करें। एंड इवन आई विल से कि आप नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, यू कैन लर्न न्यू फॉरेन लैंग्वेज टू। एंड अगर आपका कोई रिजल्ट आ रहा है इस वीक, सो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द एग्ज़ाम जो आपने कभी प्रिपेयर किया हो, अगर इस वीक आपका वो रिजल्ट आ रहा हो। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, यू विल बी कम्प्लीटली फाइन। You will be completely healthy this week. And I will say, जो remedies आपको करनी चाहिए इस week में, I will say, आपको माँ दुर्गा 40 का पाठ करना चाहिए इस week. माँ दुर्गा 40 का पाठ करें this week as a remedy. Now talking about root number 2. तो जो मूलांक 2 के हैं, I will say, इस वीक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करेंगी। कितनी अच्छी है, कितनी बुरी, उस बिहाव पे आपका ये वीक जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत मैटर करेंगी इस वीक में। एंड इवन आई विल से अगर आप में रोमांटिक लाइफ की बात करूं, तो दिस वीक फॉर द रोमांस इज फेवरेबल। आउटिंग करने का भी हो सकता है आपका प्लान, बड़ी नहीं तो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस आउटिंग हो। अपने कपल्स जो भी हैं या फिर जो मैरिड हैं, वो आउटिंग करने के लिए जा सकते हैं। एंड इवन आई विल से अगर कोई प्रपोज करना चाहता है इस वीक, दे कैन प्रपोज, यू कैन प्रपोज टू योर क्रश, या फिर जिसको भी आप प्रपोज करना चाहते हो, जिसके लिए आपके दिल में प्यार हो। एंड इवन आई विल से जो मैरिड हैं, वो स्लाइटली चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। मैरिड कपल्स कैन फेस चैलेंजेस इमोशनली। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, तो फिर आई विल से ये जो वीक रहेगा एजुकेशन के टर्म में, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। आप अपना दिया हुआ होमवर्क या जो भी टास्क होगा नहीं कर पाओगे। इनकम्प्लीट टास्क रहेगा दिस वीक। एंड इवन आई विल से कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए स्लाइटली मेडिटेशन भी करनी चाहिए इस वीक में। एंड टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, आई विल से अगर आप हेल्थ पर्पज से ये वीक देखेंगे, मूलांक 2 नंबर वाला, आई विल से दे विल फील स्लाइटली वीक, स्लाइटली वीक महसूस करेंगे अपने आप को, टायर्ड महसूस करेंगे, थका हुआ बिल्कुल अपने आप को। एंड इवन आई विल से आपको इस वीक याद करने में बहुत दिक्कतें रहेगी,
मेमोरी इश्यूज भी रहेंगे थोड़े, मेमोरी इश्यूज। इस वीक आपको एज अ रेमेडी क्या करना चाहिए? एज अ रेमेडी आई विल से, ताकि ये मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, रेमेडी। तो इस वीक एज अ रेमेडी जो आपको करना चाहिए, आपको अपनी मदर को जैगरी देना चाहिए, गुड़। हर सुबह उठ के अपनी मॉम को जैगरी दीजिए, गुड़ दीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप गुड़ देते हैं अपनी मदर को। तो नाउ टॉकिंग अबाउट मूलांक नंबर 3, जो 3 नंबर के लोग हैं, आई विल से ये इस वीक बहुत ही स्पिरिचुअल, उनका मेडिटेशन में मेडिटेशन करने का बहुत मन करेगा, भगवान की तरफ बहुत आकर्षित रहेंगे इस वीक। एंड आई विल से फिजिकली और मेंटली ये रिलीजियस पर्पस को देंगे। ये वीक आपका रिलीजियस पर्पस से जाएगा, भगवान में भक्ति की तरफ आप बहुत आकर्षित होंगे। टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, और किसी वर्क मतलब जहाँ आप किसी ऑफिस में जाते हो या फिर आप किसी कॉलेज में स्कूल में जहाँ भी जाते हो, वहाँ पे आपको आपका लव पार्टनर मिल सकता है इस वीक। ट्रैवलिंग के पर्पज़ से कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपको आपका लव पार्टनर मिल सकता है। आपके ऑफिस में कोई है तो आपको वहाँ पे आपका लव पार्टनर मिल सकता है। एंड इवन आई विल से अगर इस वीक आपको मिलता है और आप अगर उन्हें प्रपोज करते हैं, यू विल गेट फेवरेबल रिजल्ट। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, मूलांक 3 वालों के लिए ये वीक एजुकेशन पर्पज से बहुत अच्छा रहेगा, एजुकेशन पर्पज से बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। एंड आई विल से एजुकेशन के पर्पज से आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और ये ट्रैवलिंग आपको अगेन पॉजिटिव रिजल्ट देगी। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, आई विल से दिस वीक यू कैन फेस सम हेल्थ इशू, यू कैन फेस हेल्थ इशू। एंड आई विल से आपको थोड़ा बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी इशू आपके साथ हो सकता है। सो एज अ रेमेडी आपको क्या करना चाहिए? एज अ रेमेडी मूलांक 3 वालों को ये करना चाहिए, आपको लॉर्ड हनुमान की पूजा करनी चाहिए, लॉर्ड हनुमान वर्शिप। नाउ टॉकिंग अबाउट मूलांक नंबर 4, जो 4 मूलांक वाले, आई विल से ये वीक हल्का सा प्रेशराइज रहेगा आपके लिए, प्रेशराइज वीक रहेगा आपका ये थोड़ा, एंड बिकॉज ऑफ विच आपको एंगर इश्यूज होंगे, एंजाइटी भी हो सकती है, एंड ईगो इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप, आई विल से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े होने की ज़्यादा संभावना है पार्टनर्स के बीच में। अगर कुछ अच्छा करने जाओगे अपने पार्टनर के लिए तो वो बुरा साबित होगा, सो डोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर योर पार्टनर दिस वीक ओनली, डोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर योर पार्टनर दिस वीक। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, आई विल से कंसंट्रेशन नहीं दे पाओगे स्टडीज को, डिस्ट्रैक्शन आपको फेस करना पड़ेगा, रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आएंगे, रिजल्ट्स फेवरेबल नॉट कमिंग। अगर इस वीक आपका कोई रिजल्ट आ रहा है तो मूलांक 4 वालों के, उनका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएगा इस वीक में। एंड आई विल से अगर हेल्थ पर्पज से देखा जाए, आपको मेंटल पेन, सर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या आपके साथ हो सकती है, मस्कुलर पेन भी आपको फेस करना पड़ सकता है। सो एज अ रेमेडी आपको क्या करना चाहिए? एज अ रेमेडी आपको ये करना चाहिए,
इस वीक आपको झूठ नहीं बोलना है, डोंट स्पीक लाई, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़, भोलेनाथ को जल चढ़ाए या फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाए। टॉकिंग अबाउट रूट नंबर 5, जिनका 5 मूलांक है, ये वीक आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, एंड इवन आई विल से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी करेंगी इस हफ्ते, एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छी करेंगी। रोमांटिक लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी रेज होनी है इस वीक में, जो मूलांक 5 नंबर वाले हैं। एंड आई विल से टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, इस वीक बस आपकी हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है, और इवन आपको UTI भी फेस करना पड़ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, आपको वो समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। सो इट्स बेटर टू मेंटेन हाइजीन। सो एज अ रेमेडी आपको क्या करना चाहिए इस वीक, मूलांक 5 वालों के लिए ये रेमेडी होनी चाहिए, इस हफ्ते हर रोज़ गाय को हरा चारा दे। सो ऑफर ग्रीन लीव्स टू काओ एंड दैट टू डेली। टॉकिंग अबाउट मूलांक नंबर 6, जो मूलांक नंबर 6 वाले लोग हैं, मैं कहूँगा इस वीक आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे रिगार्डिंग, चाहे आपका वर्क हो जाए या फिर आपकी रोमांटिक लाइफ हो जाए, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है इस हफ्ते, डिज़ायर फुलफिलमेंट, जो मूलांक 6 वाले हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं इस वीक में। एंड इवन आई विल से मटीरियलिस्टिक आइटम को आप अट्रैक्ट करेंगे इस वीक, मटीरियलिस्टिक आइटम, फॉर एग्जांपल गाड़ी हो गई, या फिर आई विल से कोई भी महंगी घड़ी हो गई, जूते हो गए, कपड़े हो गए, मटीरियलिस्टिक आइटम जो भी है वो आप अट्रैक्ट करोगे इस वीक। एंड रोमांटिक रिलेशनशिप की अगर आपकी बात की जाए, वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, रोमांटिक लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, फाइट भी होने की थोड़ी संभावना है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कम्युनिकेशन अपना अच्छा और पोलाइट रखें। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, आई विल से जो ये हफ्ता है आपका, स्लाइटली अच्छा नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू एजुकेशन। एजुकेशन के पर्पज से देखा जाए, दिस वीक एजुकेशन इज नॉट फेवरेबल। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात की जाए, आई विल से कि आपको इस वीक योगा करनी चाहिए, और सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग हैव सम वार्म वाटर, गुनगुना पानी अगर पियोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए और अच्छा फ्रूटफुल साबित होगा। इस वीक वाले जो मूलांक 6 वाले हैं, उनको इस वीक क्या रेमेडी करनी चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। टॉकिंग अबाउट द रेमेडी, आपको सैंडलवुड, चंदन का परफ्यूम या पाउडर लगाना चाहिए, परफ्यूम और पाउडर आपको यूज़ करना चाहिए, सैंडलवुड परफ्यूम और पाउडर का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल साबित होगा। तो जो मूलांक 7 वाले हैं, जिनका रूट नंबर 7 है, तो जो उनका जो ये वीक रहेगा, ये वीक आपके लिए नॉर्मल रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा होगा ना ज़्यादा बुरा होगा। एंड इवन आई विल से योर एनर्जी लेवल विल बी हाई दिस वीक, एनर्जी लेवल जो रहेंगे आपके इस वीक हाई रहेंगे। एंड आई विल से
जो भी आप बोलने जा रहे हो अपने वर्ड्स पे ध्यान कीजिएगा इस मतलब इस वीक, आपको जो भी आप बोल रहे हैं उसको बोलने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। सो वॉच योर वर्ड्स बिफोर स्पीकिंग। टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप, आई विल से रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी, रोमांटिक लाइफ, रोमांटिक लाइफ आपकी कंट्रोल्ड रहेगी इस वीक। अगेन सेम, ना ज़्यादा अच्छी होगी ना ज़्यादा बुरी होगी, थोड़ी बहुत बस आर्ग्यूमेंट हो सकती है, पर ये है कुछ देर बाद ही वो आर्ग्यूमेंट लव में बदल जाएगी, लव में चेंज हो जाएगी। एंड आई विल से कि आपको इस वीक थोड़े फ्यू अप एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं, बट अगर आपका पार्टनर के साथ आपका सपोर्ट है, यू विल कंप्लीटली फेस दैट टू ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, आपकी कंसंट्रेशन पावर, जो बच्चे मुलांक साथ वाले हैं उनके कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई रहेगी इस वीक, कंसंट्रेशन पावर हाई रहेगी इस वीक, अचीव गुड रिजल्ट्स, और अपना दिया हुआ होमवर्क या जो भी वर्क है या असाइनमेंट है उसे टाइम पे ख़त्म कर लेंगे, फिनिश ऑल वर्क एट अ गिवन टाइम। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात करें इस वीक में, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी, एंड इवन आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी इस वीक बढ़ेगी। सो टॉकिंग अबाउट द रेमेडी, आपको एज अ रेमेडी क्या करना चाहिए इस वीक वाले जो 7 नंबर के हैं, तो जो 7 मूलांक वाला है, आई विल से उन्हें लॉर्ड काल भैरव की पूजा कीजिए, लॉर्ड काल भैरव वर्शिप एवरी डे। अब मूलांक 8 वालों की अगर हम बात करें, तो मूलांक 8 वालों का जो ये वीक रहेगा, ये वीक पूरा इनके लिए फोकस रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, एंड ये जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं इस वीक इन्हें वो चीज़ें मिलने की संभावना है। दिस वीक विल बी फ्रूटफुल फॉर योर गोल्स, कैरियर में आप इवन ग्रोथ करोगे। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप की हम बात करें, आपकी रोमांटिक लाइफ, बस मैं एक ही शब्द में ख़त्म करने जा रहा हूँ, रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत बहुत अच्छी होगी इस हफ्ते, रोमांटिक लाइफ विल बी एट इट्स पीक, बहुत अच्छी रोमांटिक लाइफ रहेगी आपकी इस वीक में। इवन आपको आई विल से कुछ भी इश्यूज बाय चांस गलती से आते हैं, तो आपके पार्टनर के सपोर्ट से वो चीज़ आपको, आप उसको सॉल्व कर लेंगे और उसके लिए एक नया रास्ता निकाल लेंगे। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, अगेन एजुकेशन विल बी फ्रूटफुल इस वीक। जो स्टूडेंट्स हैं वो इवन बाहर पढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं, दे कैन गो टू फॉरेन लैंड फॉर स्टडीज एंड यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। किसी ने अगर सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे हैं और वो अगर इस वीक में रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा फॉर गवर्नमेंट जॉब टू गवर्नमेंट जॉब। टॉकिंग अबाउट द हेल्थ पर्पज़, तो आई विल से कि ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक, हेल्थ आपकी पॉजिटिव रहेगी। इस वीक आप लोगों को मोटिवेट करोगे रिगार्डिंग फिटनेस, यू विल मोटिवेट पीपल फॉर फिटनेस, और जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो अच्छा कमाएंगे इस वीक में। तो आपको एज अ रेमेडी क्या करनी चाहिए इस वीक में, जो मूलांक 8 वाले हैं, सो रेमेडी आपको ये करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए रोज़। टॉकिंग अबाउट रूट नंबर 9, तो मैं ये कहूँगा
अगेन दिस वीक विल बी फेवरेबल फॉर यू। मूलांक 9 वालों के लिए ये भी बहुत फेवरेबल रहेगा। हाईली एनर्जेटिक रहोगे आप, हाईली एनर्जेटिक वीक रहेगा ये आपके लिए। एंड इवन आई विल से कि आप अपने सारे टास्क ख़त्म कर देंगे इस वीक में। टास्क विल बी फिनिश्ड दिस वीक। एंड इवन आई विल से कि अगर आप कि रोमांटिक लाइफ की हम बात करें, बहुत ही बढ़िया जाएगी रोमांटिक लाइफ में। आपको गेंस देखने को मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, सो यू कैन प्रपोज इवन प्रपोज टू योर पार्टनर और योर क्रश। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इवन आप डेट पे भी जा सकते हो इस वीक में। लंच डेट और डिनर डेट की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इवन आप शॉर्ट वेकेशन पे भी जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ। शॉर्ट वेकेशंस पे भी आप अपने पार्टनर्स के साथ जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन पर्पस, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन रिजल्ट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सक्सेस आपके पीछे होगी ही होगी इस वीक में। टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, इस वीक आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ विल बी एट इट्स बेस्ट। एंड इवन आई विल से कि इस वीक आप फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दोगे। फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे फोकस रहेंगे आप। जो रेमिडीज आपको फॉलो करनी चाहिए इस वीक, सो बहुत सिंपल रेमिडीज है आपको। जो 8 मूलांक वाले हैं, उन्हें सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करना है, वन टाइम। जो मूलांक 9 वाले हैं, उन्हें रेमेडी बिल्कुल सेम है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बट 7 times a day। सो गाइज, विद दिस आई एंड माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक इट एंड सून विल अगेन मीट विद द सेम काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।